या अली मदद, अलवाइज अबू अली, वाइज नंबर 68। 27 अप्रैल 1985, वाइज इन मॉन्ट्रियल जमात खाना। अच्छा जी, मुस्तक अमारो नीचो पड़े उपड़े नहीं लगा रे मौला, उपड़े नहीं लगा रे, हड़वे हड़वे ए पगला भरू हड़वे हड़वे पगला भरू प्रेम करू अपार हरियाणा से आना सहरी आना से जो स्वामी शाह आना से जो अंत तू ही जाने जी। मौलाना हज़रत इमाम पे सलवात पढ़ो मोमिन। इस्माइली मजहब जो इस्लाम दीन का एक भाग है, इस्लाम दीन पे चलने का तरीका है। मैंने आपको अर्ज की कि इस्लाम के अंदर 73 फिरके हैं, हर एक फिरका दीन इस्लाम पे अमल करने के लिए अपनी अपनी मर्जी से चलता है। दुनिया में 1 बिलियन मुसलमानों का सबका एक ही तरीका नहीं, सबकी राहें अलग अलग हैं। मेजॉरिटी हमारे मुसलमान भाई इस्लाम दीन की शरीयत के थोड़े से उसूल बना के उनके ऊपर वो लोग अमल करते हैं, यानी के नमाज पढ़ते हैं, यानी के रोजा रखते हैं और कभी मस्जिद में जाते हैं और समझते हैं हमारा मजहब पूरा हुआ। हमारे इमाम ने हमें एक दफा ये फरमान कराची में भी किया है, अफ्रीका में भी किया है। इमाम फरमाया कि दूसरे मुसलमान मस्जिद में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं और समझते हैं कि मजहब पूरा हुआ। हमारा ये तरीका नहीं, सिर्फ नमाज पढ़ लेने से, मस्जिद में जाने से दीन पूरा नहीं होता। दीन का मकसद ये है कि तुम खुदा के साथ प्रेम करो। हमारा इस्माइली मजहब जो है उसकी फाउंडेशन प्रेम के ऊपर है, मोहब्बत। मैं अपनी आवाजों के अंदर भाइयों को बहनों को बोलता रहता हूँ कि इस्माइली मजहब को समझने के लिए ऐसा चश्मा लगाओ कि जो चश्मे के अंदर से मोहब्बत निकलती हो तो ही ये इस्माइली मजहब समझ में आएगा। जो आदमी अल्लाह रसूल के साथ प्रेम नहीं रखता अपने दिल के अंदर, जिसके दिल के अंदर अल्लाह रसूल का नूर हजर इमाम जो है उसके लिए प्रेम नहीं, वो इस्माइली मजहब को कभी नहीं समझ सकता। वो कितनी भी बड़ी डिग्रियां ले ले, वो हजारों नहीं लाखों चौपड़ियां पढ़े, वो चाहे कितना भी बड़ा आलिम बन जाए, याद रखो दीनदारों, अगर वो इस्माइली मजहब की फाउंडेशन यानी प्रेम जो हजरत इमाम के साथ हमारा प्रेम है अगर वो नहीं समझता तो इस्माइली मजहब उसकी समझ में कभी नहीं आएगा। इस्माइली मजहब का हर तरीका, इस्माइली मजहब की हर चीज, इस्माइली मजहब जमात खाने के अंदर हम जो कुछ भी करते हैं उसकी बैकग्राउंड के अंदर मौला की मोहब्बत है और कुछ नहीं। अगर मोहब्बत निकाल दो तो इस्माइली मजहब एक फुगे की तरह, एक बलून की तरह है जिसमें हवा भरी है, फट गया तो उड़ जाएगा, उसकी कोई फाउंडेशन नहीं। हमारे मजहब के अंदर अगर हम दुआ पढ़ते हैं तो इमाम का हुक्म है, अगर हम दसवन देते हैं तो हुक्म से देते हैं, अगर हम नियाज पीते हैं तो मौला ने हुक्म कहा है। ये नाबिक है इसका भी हुक्म है, जमात खाने आने के लिए हुक्म है, मुखी के पास जाके छांका लेने का हुक्म है, मुखी के पास जाके दुआ कराने का हुक्म है। हमारे मजहब की जितनी भी चीजें हैं वो हजरत इमाम के हुक्म के नीचे आती हैं। और हम हुक्म क्यों मानते हैं कि हमने अपना तन मन धन मौला को अर्पण कर दिया है, हम इस्माइली मजहब के अंदर जन्म ले चुके हैं, इसलिए हमको हक है कि हम जमात खाने में आवे और अपने आप को इस्माइली कहलावें। लेकिन बहुत थोड़े इस्माइली हैं जमात के अंदर
हार्डली 15-20% शायद इससे भी कम थी कि जो लोग इस्माइली मजहब को जानते हैं। हमारे में से मुश्किल से 10% आदमी इस्माइली मजहब को जानते हैं। हमें इस्माइली मजहब का कोई पता नहीं। हम तो आते हैं जिस तरह लोग करते हैं इस तरह हम करते हैं। सब सजदा करते हैं, मुंडी ऊंची नीची करते हैं, हम भी करते हैं। सब लोग पंजा देते हैं, हम भी देते हैं। सब लोग जुरा लेते हैं, हम भी लेते हैं। हम सब मिलके सब एक ही चीज करते हैं। लेकिन हमने कभी सोचा कि मैं सजदा क्यों करता हूँ? हमने कभी सोचा कि मैं जुरा क्यों खाता हूँ? हमने कभी सोचा कि यह मजलिस क्यों बनाई गई? थोड़े पैसे दे दिए, मजलिस में आ गए। और आज इस वक्त जो खोजे इस्माइली हैं इंडिया पाकिस्तान या अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका के अंदर, इनके अंदर एक ही चीज है पैसा। हमारी जिंदगी पैसे के आजू बाजू में घूमती है। कभी हम 5 साल के मेंबर हैं तो हम कोई समझ से नहीं आए। हम लोग यहाँ बैठे हैं, मैं आपको पूछता हूँ कि ये मेंबर क्यों बने हो, क्यों बने हो? पैसा दे के आए ना, या माता पिता ने नाम लिख दिया? हमारी प्रथा हो गई है, बच्चा जन्मे 5 साल का मेंबर बनाओ, लश्कर का मेंबर बनाओ, लाइफ का मेंबर बना दो। थोड़े बड़े होते हैं तो दूसरी मंडलियों के भी मेंबर बना देते हैं, क्योंकि पैसे हैं इसके लिए। इसलिए बहुत से जवान यंगस्टर सवाल पूछते हैं कि क्या हमारा मजहब कमर्शियलाइज्ड है? क्या हमारा मजहब पैसे के ऊपर है? क्या हमारा मजहब व्यापार है? जमात खाने में एंटर हुआ, पैसे का ही खेल तमाशा है। मुखी को पैसा दो, न्यास पीते वक्त पैसे रखो, नांदी लो तो पैसे रखो, मंडली में आना है तो पैसे रखो। हर जगह पैसा ही पैसा है ना? बच्चे कहते हैं कि हर जगह पैसा ही पैसा है। हाँ दीनदारो, हर जगह पैसा ही पैसा है। लेकिन आपने कभी सोचा कि इस पैसे के पीछे प्रेम है? क्यों पैसा देते हो? किसने कहा मत दो? कभी मुफ्त दुआ कराओ मुखी का मड़िया के पास, तो वो बंदो गुनेगार, 1 सेंट मत दो। मुखी साहब नहीं कहेंगे कि पैसे लाओ नहीं तो मैं खाना वदान नहीं बोलूंगा। मुखी साहब नहीं कहेंगे, न्याज पड़ा है आपके खीसे में पैसे नहीं, या आपको मोहब्बत नहीं, या प्रेम नहीं, या मर्जी नहीं, पैसे मत रखो, मोहब्बत पी जाओ। लेकिन हम पैसे रखते हैं क्योंकि हम खोजे भाइयों को जो 500-700 बरस पहले खेडूत थे, मजूरी का काम करते थे, गाय का छेन गोबर उठाते थे, झाड़ू निकालते थे, मामूली काम मजूरी करते थे। हमारे बाप दादा गरीब थे, एक तक खाने का पैसा नहीं था हमारे बाप दादा के पास। वो सख्त गरीबी का रिएक्शन अब ये है कि हम लोग मालदार बन गए और पैसे के पुजारी बन गए। हर जगह हमको पैसे का सवाल नजर आता है। ये जितनी भी चोरियां मंडलियां हैं उसके अंदर 90% लोग पैसा दे के अंदर आए हैं, समझ के नहीं आए। और अगर कभी समझ के कोई आया है तो 5% 10%। मैं पर्सनली एक भूल कर चुका हूँ कि मैंने भी अपने बच्चों को लाइफ का मेंबर बना दिया पैसे देके। लेकिन अब मैं रियलाइज करता हूँ कि ये मेरी भूल हुई। हमको बच्चों को इन चोरियों मंडलियों का मेंबर नहीं बनाना चाहिए। उनको कहो कि 5 साल का मेंबर बनने के लिए तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं, तुम्हें सेवा की जरूरत है। इन मजलिसों का, जितनी भी मजलिसें हैं, 5 साल की मजलिस है, लाइफ की मजलिस है और दूसरी मजलिसें हैं, छोटी बड़ी सब मजलिसें, बैतुल ख्याल को छोड़ दो, बाकी सब मजलिसों का हेतु एम हजर इमाम की सेवा है, पैसा नहीं। बच्चों को बोलो, अपनी औलाद को सिखाओ कि तुम बड़े हो जाओ, तुम खुद पैसे इकट्ठे करो, सेव करो और फिर मेंबर बनो, ताकि तुमको पता लगे कि सेविंग करने के बाद हम मेंबर बने। क्यों बने? हमको हजर इमाम के घर की सेवा करनी। रसूलुल्लाह के जमाने से ये मंडली चली आती है। ये चोरी मंडली जिसको हम 5-12 साल कहते हैं या लाइफ डेडिकेशन कहते हैं, कोई हजर इमाम ये या हजर इमाम के श्री दादा सुल्तान मोहम्मद ने, ये उनके पहले किसी एक आध इमाम ने चालू नहीं की, 1400 बरस से चालू है, 1400 साल हुए। रसूलुल्लाह की हदीसें पढ़ो तो हमको पता लगता है ऐसे लोग थे कि नबी के पास आके नबी की सेवा करते थे। अनस बिन मालिक नाम का एक रसूलुल्लाह का सहाबी था, उसने 10 बरस नबी की सेवा की, सेक्रेटरी के तौर पे, 1 सेंट कभी पगार नहीं ली उसने, मौला की सेवा करता रहा, अपने आका की सेवा करता रहा। अलबत्ता नबी के घर पे काम करता था तो नबी के साथ खाना खाता था, बस उसने 10 बरस सेवा की। 10 बरस के बाद कहता, या नबी अब मैं आपसे रजा मांगता हूँ, मैं अपने घर जाऊँ। नबी ने दुआ शीश दी, अपने घर चला गया।
ऐसे बहुत से लोग थे कि 40-50 बरस से ऊंची उम्र थी उनकी, बाल बच्चे बड़े हो गए, रिटायर्ड हो गए, जिस तरह आज हमारे सीनियर सिटीजन रिटायर्ड हैं, वो लोग नबी के पास आके कहते हैं, या नबी हमको कोई दीन का काम दो, हमारा कोई काम नहीं, बाल बच्चे खाते पीते हैं। ये लोग एक नहीं, आस्ते 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 लगभग 350 हो गए। ये 350 लोग रसूल के पास आए, घर बार छोड़ दिया। तो नबी ने मस्जिद के बाजू में एक छोटा सा, चार दीवारें नहीं लेकिन चार पांच पोल लगा के ऊपर खजूर के पत्तों की छत डाल दी और ये लोग इधर रहते थे। न किसी के पास बेड था, न किसी के पास सूटकेस था, न किसी के पास और कोई पोजेशन था, तन के जो कपड़े थे वही थे, इसी में सोते थे, इसी में नहा धो के फिर वापस पहन लेते थे। इनको असहाबे सुफा कहते हैं। ये वो लोग थे कि जो आपस में मिलके दीन की बातें करते थे, इबादत करते थे, और इनमें से रसूलुल्लाह जो वाज करने वाले लोग थे उनको जुदे जुदे गांव गांवड़े के अंदर भेजते थे कि तुम जाके वाज करो, जकात का माल इकट्ठा लेके आओ। कहीं कोई झगड़ा हो जाता था तो इनमें से लोग जाके वो झगड़ा निपटाते थे। ये असहाबे सुफा थे जिन्होंने अपनी जीवन, अपनी लाइफ डेडिकेट कर दी थी इस्लाम के लिए, मजहब के लिए, और रसूलुल्लाह ने इन लोगों को अपने असहाबे सुफा का नाम दिया, मेंबर्स ऑफ लाइफ डेडिकेशन। ये लोग अपने घरों पे वापस नहीं गए, सारी जिंदगी जितने बरस जिए इधर ही नबी की और धर्म की सेवा करते रहे और यहीं मर गए। वो जमाने के अंदर लोग पैसे नहीं देते थे। मौलाना हसन अली शाह हिंदुस्तान के अंदर आए, उसके पहले हिंदुस्तान से लोग ईरान जाते थे, पांव से चल के जाते थे, और वहां जाके इमाम के घर में एक बरस, दो बरस, पांच बरस, जितना बन सके मौला की सेवा करते थे। मौला का लश्कर बड़ा था, हुकूमत थी किरमान के अंदर, बहुत से घोड़े थे, कोई घोड़े को मालिश करता है, कोई घोड़े को खाना खिलाता है, कोई मौला के घर के अंदर झाड़ू निकालता है, कोई मौला के कपड़े धो देता है, कोई मौला का खाना पकाता है, हजारों तरह के ऐसे कामकाज थे कि जो इधर हिंदुस्तान से लोग ईरान जाके मौला की सेवा करते थे बरस, दो पांच बरस, और फिर मौला की दुआ से लेके वापस आते थे। ये है 5 बार साल या लाइफ डेडिकेशन। लेकिन चूंकि हमारे पास आज पैसा हो गया, हम पैसे दे देते हैं, मेंबर बन जाते हैं, हम दुआ पढ़ते नहीं अच्छी तरह से, बराबर हमारी दसवंद नहीं, दिल के अंदर खुनुस और हसद है, हम गीबत करते हैं, बदनजरी करते हैं, तेरी मेरी करते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जुगाड़ खेलते हैं और भी दुनिया की बदियां करते हैं, लेकिन पैसे दे के बड़ी मंडली में आ गए और उसके जो फरमान है वो सुन के हमको ऐसा होता है दुनिया में जितने चाहो पाप कर लो, ये मंडली के मेंबर बन गए हो, जन्नत तुम्हारे बाप की हो गई। हम तो ऐसा समझ, दीनदारों ये मजहब नहीं है, ये मजहब नहीं। 700-800 डॉलर लेके किसी मजलिस में आ जाने से, दुनिया भर के गुनाह करने से हम बच नहीं जाएंगे, ये मजलिसें हमको बचाएंगी नहीं। तो फिर ये मजलिसें काहे के लिए, अगर ये मजलिसें हमें नहीं बचाएंगी तो ये मजलिसें काहे के लिए बनाई गई। नंबर वन इसके लिए बनाई गई कि हमने दसवंद दी, हमने दुआ पढ़ी, रोज जमात खाने आए, मौला ने फरमाया इस तरह, हमने अपना अच्छा अमल, अमाल, कैरेक्टर, आचार विचार पाक पवित्र रहे, अब हमारे दिल में उभरा आता है कि मैं मौला की कोई सेवा करूं। दसवंद खा जावे और सेवा करे उसका कोई मतलब नहीं। मैं आपके पास से 1000 डॉलर उधार ले लूं और आपको कहूं मैं वापस करूंगा क्योंकि मैंने उधार लिया है, अब आप मेरे घर पे आओ मैं आपको चाय कॉफी पिला दूं लेकिन पैसे ना दूं, आप जब भी आओ मैं आपको खाना खिला दूं लेकिन पैसे ना दूं, बताओ आप मुझे पैसे छोड़ दोगे? वो जो खाना पीना खिलाया है वो तो मैंने राजी खुशी से खिलाया है, मेरा कर्जा तो उसमें पूरा नहीं होता। इसी तरह से मोमिनो, दसवंद जो है हमारे जीव के ऊपर कर्जा है। ये 5 बार साल का मेंबर बन जाने से या जमात खाने का थोड़ा काम काज कर डालने से या कोई वॉलंटियर बन जाने से वो दसवंद माफ नहीं होती, वो तो कर्जा रहता है। पहले कर्जा अदा करो, दसवंदी बनो पक्के, एक सेंट की भी भूल न होनी चाहिए। दसवंद जिस आदमी की बराबर नहीं वो इस्माइली मजहब को समझ नहीं सकता, उसके दिल में प्रेम पैदा कभी नहीं होएगा, उसका ईमान मजबूत कभी नहीं होएगा, उसको अच्छी बात सूझेगी ही नहीं, उसके विचार खराब और गंदे रहेंगे। दसवंद न देने से, अगर इमाम का, शाह पीर का हक खा जाने से दिल काला हो जाता है,
بے دستبندی آدمی کبھی بھی مذہب کو نہیں سمجھ سکتا, اس کا ایمان کبھی مضبوط نہیں ہوئے گا. وہ کتنی بھی منڈیوں اور ٹولیوں میں چلا جاوے, وہ ایک ایک ملین ڈالر جماعت خانے کے اندر سخاوت بھی دے دے, آخا جماعت خانہ بنا دے دو چار پانچ لاکھ ڈالر کا, لیکن دسوند کھا جاتا ہے تو جماعت خانے کا ثواب ملے گا اس کو, نیکی کا ثواب ضرور ملے گا, لیکن دسوند کھا جانے سے دل کے اندر ایمان کبھی بھی روشن نہیں ہوئے گا, وہ آدمی کو کبھی نور نہیں ملے گا, اس آدمی کی عبادت میں کبھی بھی فائدہ نہیں ہوئے گا. کیونکہ دسوند اور دعا ہمارے دین کے پلرز ہیں, ان کے اوپر سارا سٹرکچر کھڑا ہے, ساری کنسٹرکشن ہمارے مذہب کی یہ دو پلرز پہ ہے, دسوند اور تین وقت کی دعا. یہ پوری اگر ہوئے تو دل میں محبت پیدا ہوتی ہے, جب محبت آتی ہے تو ہم چاہتے ہیں مولا کے گھر کی سیوا کریں. وہ آدمی کہ جو جماعت خانے میں کوئی بھی کام کاج کرے, کوئی بھی اینی ورک پانچ سال کرے, اور اگر اس کے پاس پیسے نہیں تو مکھی کے پاس جا کے کہے, مکھی پاپا میں نے پانچ برس جماعت خانے کی سیوا کی ہے, مجھے پانچ سال کا ممبر بناؤ. مکھی صاحب کے اوپر امام کی طرف سے فرض ہے کہ اس کا نام لکھ کے مولا کو بھیجے, مولا یہ آدمی نے پانچ برس والنٹیئر طریقے ناندی کی ہے, یہ کیا ہے, یہ پانی پلایا ہے, جھاڑو دکھالا ہے, صاف کیا ہے, اور کچھ بھی کام کیا ہے, خداوند میں ریکمینڈ کرتا ہوں اس کو پانچ سال کا ممبر بنایا جائے. حضر امام بناتے ہیں, میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, لائف کا ممبر بنا, میں نے پیسے نہیں دیا. امام کے ساتھ باتیں کرتے کرتے مانزا جماعت خانے کے اندر چلے جاتے تھے, مولا تھوڑے آگے تھے, میں آنکھ باندھ کے باتیں کرتے تھے, اوپر گئے میں پیچھے پیچھے کیونکہ مولا باتیں کر رہے تھے میرے سے, اوپر جا کے دروازہ کھولا, ماں باپ اندر چلا گیا, ابھی اندر لائف ڈیڈیکیشن والوں کی مہمانی تھی, میں لائف کا ممبر نہیں تھا, میں پیچھے رہ گیا. حضر امام جا کے بیٹھے, شاہ کریم صلی اللہ اللہ کی بات کرتا ہوں, مولا جا کے بیٹھے, ادھر دیکھا ادھر دیکھا, صاحب نے پوچھا ابو علی کدھر ہے, مرحوم مشنری جعفر علی صوفی وہ اندر تھے, انہوں نے کہا خداوند ابو علی مشنری از ناٹ ممبر آف لائف ڈیڈیکیشن. ماں باپ نے اس کو کہا تم دعا شیش دو جماعت کو, تو مشنری صاحب تو دعا شیش دینے میں پڑے, صاحب نے مکھی کو بولا ابو علی باہر کھڑا ہے اس کو اندر بلاؤ, اس کو میں لائف کی بخشش دیتا ہوں. میرے کو بلایا گیا, وزیر عبداللہ ہاشم گانگی تھے, اس وقت کاؤنٹ تھے, مجھے کہتے ہیں مولا تمہیں بخشش دیتے ہیں, میری آنکھ میں پانی آ گیا شکر گزاری میں, میں نے سر جھکا کے سلام کیا, خدا من تیری رحمت شکرانہ. ماں باپ بہت خوشی ہوا, میں نے پیسے نہیں دیے, پیسے کی بات نہیں ہے ہمارے مذہب میں, لیکن ہم جو پیسہ دیتے ہیں تو پریم سے دیتے ہیں, ہم کو کوئی کہتا نہیں ہے کہ تم دو, پیسہ کیوں دیتے ہیں. میں نے 25 برس مولا کی سیوا کی اور مولا نے میرے اوپر رحمت کر کے لائف ڈیڈیکیشن کی بخشش دی, اگر میں 25 برس تلک نہیں ٹھہر سکتا, میرے کو ابھی ابھی لائف کی مجلس میں جانا ہے, تو پیسے لاؤ 25 برس تک ٹھہرو, اس کی جگہ 25 برس کی ایک آدمی سیوا کرے, اس کی پگار کتنی ہوئے, اتنی پگار چکاؤ. کرائٹیریا از ناٹ منی, اصل چیز تو محبت اور سیوا ہے. یا مولا مستق ہمارو نیچوں پڑیو, مذہب اسماعیلی کے اندر حضر امام کے پاؤں میں ہمارا سر ہے, اوپڑے نہیں لگار, یا مولا میں اپنا سر نہیں اٹھاؤں گا, مطلب کہ میں تیرا سامنا کبھی نہیں کروں گا, مطلب کہ میں تیری تابے داری کروں گا, مطلب کہ میں تیرا فرمان مانوں گا, کبھی تیرا فرمان اٹھلاؤں گا نہیں یا علی. اور ہڑوے ہڑوے آہستہ آہستہ میں پگلا بھرتا ہوں, یعنی آہستہ آہستہ میں اپنی آتما کو اوپر اٹھاتا ہوں, روحانی طریقے سے میں عبادت کر کے اوپر جاتا ہوں, پریم کروں اپار مولا میں تجھے بہت پیار کرتا ہوں. یہ ہمارا مذہب ہے, ہمارے مذہب کا سارا آکار دیندارو پریم کے اوپر ہے, پریم محبت. اب تیری محبت لاگی میرے صاحب, اب تیری محبت لاگی, سر گنان پڑھو مزہ آ جائے, دل میرے محبت لاگی میرے صاحب, دل میرے محبت لاگی میرے صاحب, اب تیری محبت لاگی. جنان چن چن کے آپ دیکھو کہ جتنا پریم کی باتیں ہمارے پیروں نے بہت کہی ہیں,
अब मारा सनी राजा धर्मी राजा तेरे नाम सुने मारो मंगलो बांधो। ऐ मौला आ मेरे मन को तेरे प्रेम के अंदर नाम के साथ बांध दे। इस वाली मजहब जो है वो तन मन धन इमाम को अर्पण करने की चीज है, मोहब्बत की चीज, मौला को प्यार करना, ये इस्माइली मजहब है। जब हम मौला को प्यार करते हैं फिर हम उसकी नाफरमानी कभी नहीं करते। नाफरमानी जानबूझ के क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे दिल में प्यार नहीं। क्यों प्यार नहीं? इसलिए कि हम उसका हुक्म मानते नहीं। दोनों चीजें ऊपर नीचे हैं। मुर्गी के बगैर अंडा नहीं, अंडे के बगैर मुर्गी नहीं। फरमान बरदारी के बगैर प्यार नहीं आएगा और प्यार के बगैर फरमान बरदारी नहीं होगी। तो फिर करना क्या? करना यह कि दसवंद बराबर दो, दसवंद बराबर दो, बाकी धर्म की चीजों में पैसा खर्चो न खर्चो आपकी मर्जी, दसवंद हमारे जीव के ऊपर कर्जा है। ये जो पांच बार साल की मजलिस है इसका एक फरमान है, 1934 का फरमान है। एक वक्त आएगा, मौला फरमाया, मैं दसवंद बंद करूंगा। जब ही मैं दसवंद बंद करूंगा तो जो पांच बार साल के मेंबर्स होंगे वो लोग खुशी होंगे, और जो इस टोली मंडली में नहीं होंगे उनको दिलगिरी होगी। मोमन तो दसवंद बंद होने से उसको दुख होना चाहिए, लेकिन इमाम कहते हैं कि दुख उसको होगा कि जो पांच बार साल का मेंबर नहीं होगा। ये उल्टी बात कैसे हो सके? बात ऐसी है कि जिस वक्त इमाम दसवंद बंद करेंगे, कभी भी जब उसकी मर्जी आवे, तो दसवंद तो बंद प्रिंसिपल के हिसाब से नहीं हो सकती, दसवंद तो होनी चाहिए। लेकिन यहाँ दसवंद बंद करने का मकसद क्या है? कि पैसे की दसवंद बंद हो जाएगी, पैसे की दसवंद बंद हो जाएगी।